समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी की काजल निषाद व पार्षद पद के प्रत्याशी तथा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि वर्षों से नगर निगम के हालात खराब हैं, नाले नालियों की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था खस्ता हाल है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। गोरखपुर से ही डॉक्टर संजय निषाद, जो निर्बल इंडियन सोशलिस्ट आमदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने बेटों को सांसद विधायक भाजपा से बनवाया है। निषाद समाज को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने को लेकर आरक्षण मुद्दा उठाकर पार्टी बनाए अब मुख्य धारा से भटक गए हैं और केवल अपने परिवार को आरक्षण दिलाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जल भराव की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है तथा नाली के डीपीआर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ तथा गलत डीपीआर बनने के कारण जो नाली बनी वह सकरी एवं गहरी तथा सड़क से ऊपर होने के कारण जिन मोहल्लों में कभी पानी का भराव नहीं होता था, इस कारण से लगभग गोरखपुर के मोहल्लों में पानी भर जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने कहा, समाजवादी पार्टी महापौर की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद को आने वाली 4 मई को भारी बहुमत से जिताकर साइकिल के बटन दबाकर अपील करने के लिए हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता किए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि गोरखपुर की महान जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करेंगे और सपा का महापौर बनाएंगे। इसे साबित हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद होते हुए भी यहाँ पर कूड़ा करकट, नाली बजबजा रही, सड़कों का खस्ता हाल है, निषाद मंदिर हॉस्पिटल के पास जो है गोबर पूरा फैला हुआ है बस्ती में। यहाँ की जनता ने कहा कि भाई जब मुख्यमंत्री रहते हुए हम बिजली आँख बिचौली कर रही है तो क्या हमको मिल रहा है, तो परिवर्तन चाहती है। आज मुख्यमंत्री जी गली गली घूम रहे हैं, अगर यहाँ पर महापौर ने अच्छी व्यवस्था की होती तो मुख्यमंत्री जी को गली गली ना घूमना पड़ता। इसे साफ हो गया है कि यहाँ की जनता परिवर्तन कर रही है और निश्चित जो है यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद जीतेंगी। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो पहले उपचुनाव में इनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने विश्वास माना था, विश्वास जताकर उनको टिकट दिया था, यहाँ से सांसद बनाया था, पार्टी को धोखा दे करके मठ में गोरखधाम मंदिर में जो है कब्जा करने पहुंच गए थे, कह रहे थे बाबा मच्छंदर नाथ का मंदिर है हम कब्जा करेंगे सैकड़ों साथियों के साथ, तो योगी सरकार की पुलिस ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए और इतनी धमकी दी कि वो शरण गच्छा में हो गए, हाथ टूटा हुआ जो है योगी जी के पास पहुंच गए कि हमें माफ़ करिए और हम आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भाजपा में शामिल हो गए। तो जिस तरह से डॉक्टर संजय ने पहले आरक्षण का मुद्दा उठाया था कि निषादों को आरक्षण दिलाएंगे, अब मुख्य मुद्दा से भटक गए हैं, अब उन्हें अपने परिवार का आरक्षण लग रहा है कि परिवार का आरक्षण दिला रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टी विश्वास नहीं रह गया, इसलिए अपने बेटे को दोनों बेटों को भाजपा से विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। तो यहाँ की जनता पूरी तरह परिवर्तन चाहती है और निश्चित जो है महापौर 4 मई को निर्णय करेगी जनता और महापौर सपा का बनेगा।